टाइप ऑफ चार्जेस से स्टार्ट करना है ना। तुम लोग का टेस्ट कल है ना? हाँ, बढ़िया, अच्छी बात है। हमें अभी अभी याद आया, अभी हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आज हम लोग को टाइप ऑफ चार्जेस से स्टार्ट करना है। हो गई बातें? एक घंटे की क्लास है, बातें तुम लोग बाद में कर लेना। टाइप ऑफ, तुम लोग या तो एक एक सीट छोड़ के बैठ जाओ अगली क्लास में, या इसके बाद। एक घंटे की वैसे भी क्लास है और चैप्टर भी ख़त्म करना है नेक्स्ट टर्न तक। आपके पास बुक नहीं है? अच्छा, टाइप ऑफ चार्जेस से हम लोग को स्टार्ट करना है। चार्ज हम लोग ने पढ़ा था क्या होता है, कि जब हमारी कंपनी कोई लोन लेती है तो हम लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी ने चार्ज क्रिएट करा है। दो तरीके के हम लोग ने पढ़ा था, कि कंपनी अपने कोई फिक्स असेट वगैरह पे लोन लेती है उसको हम लोग कहते हैं फिक्स चार्ज, जिसको कंपनी सेल नहीं कर सकती है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, डील नहीं कर सकती। और एक होता है हमारा फ्लोटिंग चार्ज, जैसे हमारी कंपनी का स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, जिसकी जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर की है। और जब तक हमने चार्ज किया है, जब से चार्ज किया है और जब तक हमारा चार्ज सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, हम लोग यही मानेंगे कि जितना भी स्टॉक आप लेके आओगे, जितना भी रॉ मटेरियल आप लेके आओगे, हम यही मानेंगे कि सब पर आपने चार्ज क्रिएट किया हुआ है। तो पहला है हमारा फिक्स चार्ज, जो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह पे है, फिक्स एसेट पे है, जिसकी वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती है इतनी जल्दी जल्दी। तो फिक्स चार्ज इज़ अ चार्ज ऑन स्पेसिफिक असेट ऑफ द बोरोइंग कंपनी। तो जब हमारी कंपनी बोरो करती है पर्टिकुलर असेट्स पे, जो कि परमानेंट नेचर के, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह पे जो हमारी कंपनी चार्ज क्रिएट करती है, दीज असेट आर ऑफ परमानेंट नेचर लाइक लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस प्रमाइसिस का मतलब ऑफिस का जो एरिया है, ऑफिस की जो जगह है, मशीनरी वगैरह जो हमारी कंपनी ने इंस्टॉल करी हुई है परमानेंट नेचर की। हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी मशीनरी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती है अगर वो अटैच टू अर्थ है। तो ये सारी चीज़ों पर जब हमारी कंपनी चार्ज क्रिएट करती है तो हम कहते हैं हमारी कंपनी ने फिक्स चार्ज क्रिएट किया हुआ। क्या हुआ, तुम फ़ोन क्यों यूज़ कर रहे हो? वो अभी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, उसमें लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ, फर्दर दीज असेट्स आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो जब हम लोग चार्ज क्रिएट करते हैं उसी समय डिसाइड करना होता है कि फिक्स चार्ज क्रिएट कर रहे हैं कि फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करें। अ फिक्स चार्ज इज यूजली क्रिएटेड बाय वे ऑफ मॉर्टगेज और डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। हमने बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन लेते हैं हम लोग उसको मॉर्टगेज कहते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन लेते हैं उसको हम लोग प्लेज कहते हैं। डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड का मतलब जब हम लोग लैंड वगैरह गिरवी रखते हैं तो लैंड उठा के हम बैंक में नहीं दे आते, हम लोग अपनी रजिस्ट्री के पेपर। टाइटल डीड का मतलब क्या होता है? ओनरशिप के पेपर। और लैंड वगैरह के केसेस में हम लोग ओनरशिप के पेपर को क्या कहते हैं? हमारी जो रजिस्ट्री के पेपर है। तो कोई भी पेपर जो आपको ओनरशिप बताए, जैसे लैंड बिल्डिंग है, रजिस्ट्री के पेपर है, मशीनरी है, तो आपके जो बिल्स वगैरह हैं, जो बताए कि आप इस चीज़ के ओनर हो, वो वाली चीज़। हम मशीनरी उखाड़ के नहीं दे देंगे, मशीनरी तो हमारी कंपनी में काम कर ही रही है। हम लोग अपने घर पे अगर लोन लेते हैं तो हम लोग अपना घर बैंक को नहीं दे, हम बैंक उसी घर पे रहते रहते हैं। लेकिन जब लोन पेमेंट का टाइम आता है और लोन नहीं रीपे कर पाते, तब बैंक के बंदे आते हैं हमारे घर को सील करके चले, तब तक हम लोग उस चीज़ में डील करते रहते हैं। When a charge is created on such asset, the charge remains fixed and the borrowing company is not permitted to sell assets though it may use them. मतलब हम लोग उस घर पे रहते रहते हैं, रहते रहेंगे, लेकिन हम लोग उसको बेच नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और अगर सेटिस्फैक्शन का टाइम आ गया है तब भी हम लोग लोन रीपे नहीं कर पाते, तब बैंक आके हमारे घर को जब्त करता है, सील करता है। असेट अंडर फिक्स चार्ज कैन बी सोल्ड ओनली विद द परमिशन और कंसेंट ऑफ चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर का मतलब जिससे हमने लोन लिया हुआ है, जिसके पास को प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, अगर हमें वो चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, बेचनी है, तो हमें चार्ज होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हम इसको बेच रहे हैं, आज से ये लोन चुकाएगा कि क्या करेगा, ये सारी चीज़ें आपको उससे पूछनी पड़ेगी। बाकी हम लोग ने पढ़ा था कि चार्ज होल्डर की भी जिम्मेदारी है कि वो टाइम टू टाइम MCA की साइड चेक करता रहेगा कि उस प्रॉपर्टी पे चार्ज है, और अगर फर्दर भी कंपनी चार्ज तो नहीं क्रिएट कर रही। फिक्स चार्जेस वोकेटेड व्हेन द मनी बोरोड अगेंस्ट अस आर सब्जेक्ट टू फिक्स चार्जेस रिपेड इन फुल। तो फिक्स चार्ज से हमें छुटकारा कब मिलता है? जब हमने पूरी पेमेंट कर दी इंटरेस्ट के साथ। तो हम लोग ने पढ़ा था हम लोग कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? CHG 4 हम लोग फाइल करते हैं कि हमारा चार्ज जो है वो सेटिस्फाई हो गया, और ROC CHG 5 में हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ ठीक है, हमने भी अपने बुक्स में एंट्री कर ली है कि तुमने अपना लोन विद इंटरेस्ट सेटिस्फाई कर लिया है। हाँ, लिखवाया नहीं था लास्ट टर्न पे?
अच्छा हमारे दिमाग से उतर गया होगा, पांच होते हैं सी एच डी 1 2 3 4 5। फर्स्ट में हम लोग जब क्रिएट या मॉडिफाई करते हैं, सेकंड में आर ओ सी हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देता है, सी एच जी 3 में हम लोग को मॉडिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, सी एच जी 4 में हम लोग आर ओ सी को अप्लाई करते हैं कि हमने ब्याज समेत लोन सेटिस्फाई कर दिया है, और सी एच जी 5 में आर ओ सी हमें रिटर्न इंटीमेशन देता है कि हाँ ठीक है हमने भी अपने रजिस्टर्स में एंट्री कर ली है कि तुम्हारा लोन जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है इंटरेस्ट के साथ और आपका जो चार्ज है वो बिल्कुल फ्री हो गया है। हेलो बोलो। हाँ फिर हाँ ठीक। मशीन बंद कर देती ठीक है, फोन रिचार्ज करा दे। उसके बाद आते हैं हमारा फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब जो हमारे फ्लक्चुएटिंग नेचर के एसेट्स वगैरह हैं उस पर हम लोग डील करेंगे, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग ने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किए, जैसे हमारे रॉ मटेरियल हैं, स्टॉक इन ट्रेड वगैरह जिसमें हमारी कंपनी लगातार डील करती रहती है, जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। और आज अगर हमने ये वाले रॉ मटेरियल गिरवी रखे, इसका मतलब ये नहीं कि ये बिक गए तो चार्ज होल्डर के पास कुछ नहीं, जब तक हम लोग उसका लोन सेटिस्फाई नहीं करते तब तक जितनी बार भी हम लोग स्टॉक मेंटेन करेंगे, रॉ मटेरियल मेंटेन करेंगे, हम लोग यही मानेंगे ये सारी चीज़ें हमने आपके पास गिरवी रखी हैं, और इसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज पढ़ा है, जब हमारा फ्लोटिंग चार्ज फिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मान लो कि हमारा जो क्रेडिटर उसको डाउट हो रहा है कि भैया स्टॉक तो तुम बहुत कम अब मेंटेन कर रहे हो और लोन का अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, हमें ज़्यादा चीज़ें मिल नहीं पाएंगी अगर हम बेचेंगे, तो वो कहता है कि या तो तुम हमारा पैसा वापस करो या फ्लोटिंग चार्ज नहीं हमारे चार्ज को आप फिक्स्ड में कन्वर्ट। हमें कोई फिक्स तो हम लोग उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन इनटू फिक्स्ड चार्ज, ये होता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग। जब तक हमारे क्रेडिटर को कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपना आराम से रॉ मटेरियल वगैरह में डील कर सकते हो। अगर उसको कुछ भी डाउट हो रहा है कि अब आपकी दुकान इतनी चल नहीं रही है, तो रॉ मटेरियल भी इतना ज़्यादा आपने रखा नहीं हुआ है, अगर हम बेचने भी आएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाएगा, तो वो कहते हैं आप इसको क्रिस्टलाइज करिए, मतलब आप इसको कन्वर्ट करिए फिक्स चार्ज में, कि हमें पता हो कि अगर हम ये चीज़ बेचेंगे तो इतनी वैल्यू तो हम रिकवर कर ही सकते हैं। तो फ्लोटिंग चार्जेस क्रिएटेड ऑन असेट और क्लास ऑफ असेट विच आर ऑफ फ्लक्चुएटिंग इन नेचर। तो स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, ये भी हमारे असेट्स हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। आज वो रॉ मटेरियल हैं, कल को वो सेमी फिनिश गुड्स हो जाएंगे, वो फिनिश गुड्स हो जाएंगे, वो बिक जाएंगे, फिर हम जो रॉ मटेरियल खरीदेंगे हम लोग ये मानेंगे कि इस पर हमने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया हुआ। तो स्टॉक इन ट्रेड हैं, डेटर्स हैं, ये सारे हमारे फ्लोटिंग चार्ज की डेफिनेशन में आते हैं। द असेट अंडर फ्लोटिंग चार्ज कीप ऑन चेंजिंग, तो इसकी कीप ऑन चेंजिंग मतलब इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है और उनका नेचर भी चेंज होता रहता है, क्योंकि जो भी आज रॉ मटेरियल हैं वो सब बिक चुके हैं, कल को जो नया रॉ मटेरियल हमारा आएगा वो भी हम ये मानेंगे, हो सकता है उसकी शेप साइज स्पेसिफिकेशन अलग हो, तो उसकी चीज़ हर चीज़ अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी हम ये मानेंगे कि हमने इस पर भी चार्ज क्रिएट किया हुआ है बिकॉज क्या चीज़ हाँ जो करंट डेटर्स मतलब हमारे जो पहले से ही हमने किसी को मान लो लोन दिया हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमने किसी को लोन दिया हुआ है तो उस पर भी हम लोग चार्ज क्रिएट कर देते हैं कि जैसे जैसे ही ये बंदा हमें लोन चुकाएगा हम आपको लोन चुका देंगे, मतलब हम तीनों पार्टीज़ के बीच में फिर अग्रीमेंट होता है कि अगर ये बंदा हमारा लोन चुकाएगा तो हम आपको लोन चुकाएंगे, लेकिन अभी उसने क्योंकि उसने तो अभी हमें लोन चुकाया नहीं है, हो सकता है वो उतना लोन हमें चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, तो क्रेडिटर जो है वो उसकी भी तो पूरी जानकारी लेगा कि वो क्या बिजनेस कर रहा है, वो कितनी हमें इंस्टॉलमेंट देता है, वो कितना हमें इंटरेस्ट देता है, हमें तो पे करना ही करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं चार्ज के एक तरीके से आप सिक्योर्ड क्रेडिटर हो, अगर क्रेडिटर्स को अपनी पेमेंट नहीं मिलती है तो कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है, जितना अमाउंट आपका ड्यू होगा कंपनी को बेच के पैसा तो रियलाइज होगा ही आपका, बस ये चार्ज का मतलब आप सिक्योर्ड हो। जब रिपेमेंट की बात आती है तो पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर की पेमेंट होती है उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिट, तो बस आपको एक सिक्योरिटी दी गई है कि कहीं ना कहीं से
तुम्हारा पैसा तुमको मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है, वैल्यू असर्टेन्ड नहीं है कि कितना मिल पाएगा, इसीलिए कल को वो कभी भी कह सकते हैं। मान लो हमने इनको लोन दिया हुआ है और आपसे हम लोन लेने आए हैं, तो हम आपको इनका लोन अग्रीमेंट दिखाएंगे कि ये हमें टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं और वैसे वैसे हम आपकी पेमेंट। अब इनकी पेमेंट्स में अगर डिफ़ॉल्ट हो रहा है, हम आपको पेमेंट नहीं कर पा रहे, आप कह रहे हो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, आप हमारे फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स चार्ज में कन्वर्ट, ये रीजंस हैं क्यों हमारा फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में कन्वर्ट होता है। या तो वो बंदा कहता है या तो आप पेमेंट करिए या तो हमको फिक्स में कन्वर्ट, हमें डाउट है कि मतलब आपने जो आपने अग्रीमेंट में लिखा है कि रॉ मटेरियल, आप वो अग्रीमेंट कैंसिल करके कोई फिक्स्ड असेट हमारे पास गिरवी रखोगे। कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग इनटू फिक्स्ड का मतलब होता है कि हम लोग ने पढ़ा CSG3 किसका होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस, जो टर्म एंड कंडीशन पे चार्ज क्रिएट किया हुआ है उस पर कुछ भी ऑल्टरेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऑल्टरेशन हो सकता है, पेमेंट शेड्यूल में ऑल्टरेशन हो सकता है, किसी भी चीज़ में ऑल्टरेशन हो सकता है। अब इसमें अभी तक ये था कि स्टॉक में हमने चार्ज क्रिएट किया, आपने बोला हमें डाउट है कि आपको पेमेंट कर नहीं रहे, आप हमारी पेमेंट करनी, या तो तुम हमारा पैसा दो या तो हमें कोई फिक्स्ड असेट का, जो फिक्स नेचर का कोई असेट है वो गिरवी रखो। हम कहते हैं ठीक है हमारे पास ये छोटे सा दुकान है ये आप ले लो, लेकिन लोन अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, फ्लोटिंग चार्ज। हमारा लोन अग्रीमेंट तो मॉडिफाई होगा, हम नया लोन अग्रीमेंट बना के ROC को जमा करेंगे, फिर ROC उसको रजिस्टर करेगा। CSG1 में क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन चार्जेस हैं, CSG3 जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस है, कि ROC कहता है कि जो भी आपका मॉडिफिकेशन हुआ है उसको भी हमने रजिस्टर कर लिया। मॉडिफिकेशन में हमारा लोन अग्रीमेंट भी मॉडिफाई हो सकता है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारा फ्लोटिंग नेचर का जो असेट था, क्रेडिटर उससे अब सेटिस्फाइड नहीं है, वो कह रहे हैं हमें कोई फिक्स नेचर का ही असेट चाहिए, तो लोन अग्रीमेंट में हम लोग मॉडिफाई क्या करेंगे, सिक्योरिटी का नेचर। लोन अग्रीमेंट में कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है उसको हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं, चाहे वो आपके टर्म एंड कंडीशन मॉडिफाई हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, हम लोग उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आपको क्रेडिटर्स की अप्रूवल तो ले, अगर आपकी कंपनी में लोन है और वो चीज़ें जो आप जिसमें डील कर रहे हो उन्होंने परमिशन दी है डील करने में, उन्होंने आपको बिजनेस कन्वर्ट करने की, तो आपको क्रेडिटर्स की अप्रूवल तो लेनी ही पड़ेगी, और या तो फिर आप उसको ऑल्टर करोगे फिक्स चार्ज में। तो बिकॉज द बोरोइंग कंपनी इज परमिटेड टू यूज़ देम फॉर ट्रेडिंग और प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स फॉर सेल, तो वो कह रहे हैं जो रॉ मटेरियल है उनकी वैल्यू क्यों चेंज होती रहती है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है, जिंदगी भर वो रॉ मटेरियल तो होंगे नहीं, कंपनी उसको कन्वर्ट करेगी फिनिश गुड्स में, फिर उसको बेचेगी, फिर जो नया रॉ मटेरियल का स्टॉक आएगा हम लोग ये मानेंगे कि इस पर भी हमने, हर बार नया रॉ मटेरियल आने पर नया अग्रीमेंट नहीं बनता, उसमें लिखा होता है कि जब तक आपका लोन सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक जितनी बार भी आप रॉ मटेरियल लाओगे स्टॉक मेंटेन करोगे हम यही मानेंगे कि आपने ये सारी चीज़ें हमारे पास गिरवी रखी हुई हैं। क्या चीज़, कंपनी खुद भी कर सकती है, क्रिस्टलाइजेशन मतलब कन्वर्जन हो रहा है, चाहे वो क्रेडिटर के कहने पर हो रहा है चाहे वो कंपनी के कहने पर हो रहा है, उस भाई तो नहीं, क्योंकि हमारे पास जब पहले से ही हम बिल्कुल सिक्योर्ड पोजीशन में, हम क्यों अनसिक्योर्ड पोजीशन में जाएंगे, कि हम क्यों अपने आप को बोलेंगे नहीं बिल्डिंग लेके कोई ये चीज़। यहाँ पे केवल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग इनटू फिक्स्ड है, फिर क्योंकि क्रेडिटर्स मानेंगे जब हमने आपको कोई बिल्कुल सिक्योर्ड असेट दिया हुआ है, कल को आप बिल्कुल जो बिल्कुल जिसकी फ्लक्चुएटिंग नेचर, आप क्यों बोलोगे, आप बोलोगे नहीं लोन दिया है आपको इस चीज़ पे हम दूसरी चीज़ क्यों, अगर तो उसकी वैल्यू बढ़ी हुई है तो आप मानोगे, घटी हुई वैल्यू पे। और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है ही नहीं, तो आप ऐसी चीज़ पे क्यों हमको लोन दोगे। ये जो भी हम लोग बात करें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कभी भी आपकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी सील कोर्ट में जाती है, ये बात कोर्ट के लोग आते हैं और आपकी प्रॉपर्टी बेची जाती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो 1,00,000 रुपये है, लोन की वैल्यू 70,000 थी, इंटरेस्ट मिला के उसको 80,000 ही मिलेगा, 20,000 कंपनी को लौटा दिया। हमारी अगर घर बैंक ने सील कर लिया है तो बैंक हमारा घर नहीं ले जाएगा, फिर लोग आते हैं बोली लगाई जाती है, बैंक हमारा घर बिकवाता है,
लोन जब सेटिस्फाई हो जाता है इंटरेस्ट के साथ, उतना पेमेंट बैंक को दे दिया जाता है, उसके बाद जो पैसा है वो हमी को दिया जाएगा। वो केवल एक सिक्योरिटी है कि तुम्हें तुम्हारा पैसा, इसीलिए अगर आप 10 लाख का लोन लेने जाओगे तो बैंक कुछ नहीं तो 25-30 लाख की प्रॉपर्टी आपसे मांगेगा। इतनी जल्दी वो लोन नहीं देता है कि इतनी आराम से मांगेगा, नहीं आती होगी क्योंकि लोग डिफॉल्ट भी तो करते हैं ना, ब्याज पे ब्याज, फिर वो लोग जोड़ते रहते हैं। डिफॉल्ट करने वाले तो बहुत चीज़ें कर लेते हैं, तो आपको जो वैल्यू मिलती है लोन की वो बहुत कम मिलती है। इतनी जल्दी बैंक लोन थोड़ी देता है आपको। एक तो तुम लोग की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, तुम दोनों अगली क्लास से बिल्कुल एक एक सीट छोड़ के बैठा करो। ऑफिस बिल्डिंग बिक जाएगी, वो तो आपकी दिक्कत है। ऐसे तो घर हमने गिरवी रखा तो हम रहेंगे का, बैंक ये थोड़ी सोचेगा कि तुम कहाँ रहोगे। बैंक कह रहा है हमारी, वो टाइम भी दे रहे हैं आपको, रिपेमेंट का भी इतना टाइम दिया हुआ है। अब ऐसे वो ये थोड़ी सोचेगा कि बेचारे ये अपने बच्चे लेके कहाँ जाएंगे ये लोग, वो तो कहेंगे ना घर छोड़ो। उसको मतलब है उसके पैसे से, बाकी लॉस में नहीं जाता कोर्ट, फिर उसके दूसरे एसेट्स को। फिर इसमें यह है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर कंपनी की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। इसीलिए जितने का आप लोन लेते हो वो उससे काफ़ी हायर वैल्यू की प्रॉपर्टी आपसे मांगते हैं। हाँ तो हम लोग कोर्ट को अपील करते हैं, हमारा जो इंसॉल्वेंसी कोड है वो इसी चीज़ में मदद करता है। वो फिर आके दूसरी प्रॉपर्टी उनकी बेचते हैं और आपको फिर वो ये है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि जितना आपका लोन रीपे हो गया ये चीज़ें उतने के लिए तो आप सिक्योर्ड हो, उसके बाद आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो, फिर उनका पूरा वो अलग तरीके से चलेगा। जो पहले सिक्योर्ड हैं उन्हीं को पे करेंगे पहले, जो फुल्ली, जो आप कह रहे हो फिक्स चार्ज है मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही है ना, वो पहले जो फुल्ली सिक्योर्ड है उनको मिलेगा, फिर पार्टली को, फिर अनसिक्योर्ड को पेमेंट। हमारे इसको हम लोग कहते हैं वाटरफॉल अरेंजमेंट, कि जो हमारी कंपनी बिकती है तो किस तरीके से पेमेंट्स की जाती हैं उसमें आप देखो, नेट में देखोगे वाटरफॉल, अभी ना खोलना मोबाइल, वाटरफॉल अरेंजमेंट नाम से आता है इंसान क्या नहीं इसमें है नहीं, हम एक टर्म बता रहे हैं कि इंसॉल्वेंसी कोड में वो है वाटरफॉल अरेंजमेंट, उसको हम लोग कहते हैं कि प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट। वाटरफॉल अरेंजमेंट का मतलब होता है प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट जब हमारी कंपनी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाती है। वो किस तरीके से पेमेंट्स की जाती हैं, पहले कौन से क्रेडिटर, पहले किसको, फिर किसको, इस क्राइटेरिया से दिया जाता है। तो जो सिक्योर्ड है पहले उनको मिलेगा, उसके बाद अनसिक्योर्ड को मिलेगा। नहीं नहीं, रॉ मटेरियल ही तो हमारे फाइनल गुड्स बनेंगे, उस ये नहीं कि रॉ मटेरियल कोई और, ये फाइनल गुड्स कोई और, ऐसा नहीं है। वो स्टॉक मतलब एक ही बंदे को दिया जाएगा। तो आप पार्टली भी ले सकते हो, लेकिन लोन अग्रीमेंट में पूरा लिखा होगा कि कितने का फिक्स्ड है, कितने का फ्लोटिंग है। लोन अग्रीमेंट कंपनी का अलग से जो लीगल डिपार्टमेंट होता है वो सारा यही काम करता रहता है कि कैसे लोन लेना है, क्या करना है। तो इसका एग्जांपल है, अब सब बातें बंद करो, अ रिटेल शोरूम विल कंटेन न्यूमरस आर्टिकल फॉर सेल। तो रिटेल शोरूम में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं सेल के लिए। द ओनर ऑफ शोरूम माइट हैव बोरोड अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ ऑल दोज गुड्स इन द शोरूम, बट ही मे स्टिल सेल और अदरवाइज डील विद देम इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये फ्लोटिंग चार्ज है, कि हमने चीज़ें भी रखी हुई और हम उसको उसके बाद जो नया माल आएगा दुकान में हम उस पर भी मानेंगे हमने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट। जब तक आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तब तक क्रेडिटर कुछ नहीं बोला, जिस समय आपने डिफॉल्ट करा तब आएगा, उस समय जितना स्टॉक पड़ा होगा क्रेडिटर वो बेच के अपना पैसा रियलाइज कर लेंगे।
In case of company which manufacture leather goods, the raw material in form of leather, which is subject matter of following charge, may be used to manufacture leather goods without seeking any permission from the lender. तो हमारी ये जो कंपनी है वो लेदर के गुड्स बनाती है, उसने लेदर का जो रॉ मटेरियल है उसको रखा हुआ है एज अ फ्लोटिंग चार्ज. तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि रॉ मटेरियल वैसा ही रहेगा, कल को वो सेमी फिनिश गुड्स बनेंगे, फिर वो फिनिश गुड्स बनेंगे लेदर के, फिर वो बिक जाएंगे. तो जितनी बार भी वो रॉ मटेरियल लेदर का परचेज करेगी, हम लोग यही मानेंगे कि आपने उस पर चार्ज क्रिएट किया हुआ है. मतलब जो बंदा आपको लोन दे रहा है वो भी तो देखेगा ना कितना का लोन है उसका. जो बंदा भी आपको लोन देगा तो हम देखेंगे ना कि उसने आपसे कितना लोन लिया हुआ है, कितने टाइम का लिया. ऐसे थोड़ी हम कह देंगे चलो ठीक है उसने आपको आपने उसको लोन दिया हुआ है हम आपको लोन दे रहे हैं. कंपनी की बात है, ये लाखों में तो बात हो नहीं रही है, करोड़ों अरबों की बात है. तो कंपनी ऐसे तो कह के नहीं देगी कि तुमने उसको लोन दिया हो वो देगा. तो कंपनी भी तो देखेगी ना तुमने कितना लोन दिया हुआ है, वो कब तुम्हें देगा, आप हमें किस तरीके से दोगे, ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम लोग की बातें करने से थोड़ी होगा. ये हर चीज़ कंपनी पहले इन ब्रीफ देखती है, उसके बाद ही कंपनी डिसाइड करती है. कल से हम अखिल सर को बोलेंगे तुम्हारा फ़ोन ले लिया करें. तो तुम बोलो कि क्या कहते हैं कि हम क्लास में हम लोग अभी जब तक इम्पोर्टेंट कॉल नहीं होती कॉल नहीं हम लोग उठाते हैं. तो बैग में रखो ना कि पता ही ना चले फ़ोन आ रहा है. क्योंकि इस सर बाद में हमको बोलते हैं कि आप क्लास में फ़ोन क्यों अलाउ करते हैं, क्योंकि कैमरे से उनको दिख जाता है. तो वो हमको बोलते हैं पिछली क्लास में भी जब तुमने फ़ोन उठाया था तो भी उन्होंने बाद में हमें बोला था कि आपने अलाउ क्यों किया. तो अब हम बोलेंगे कि आप खुद बच्चों से बात कर लीजिए उस क्लास में लगा हुआ है. हाँ तो हम बोल देंगे कि फ़ोन अब आप खुद सबमिट कराइए बच्चों का. और उस क्लास में तो बिल्कुल डायरेक्ट लगा हुआ है, उस दिन जब तुमने बात करी उन्होंने ऑफिस में हमको यही बोला. भैया जल्दी जल्दी पढ़ो, ख़त्म भी करना है ये चैप्टर हम लोग को छुट्टियों से पहले. तुम लोग की कितनी बातें हो रही है. तुम एक मिनट उठो पीछे बैठो, पहले तुम फ़ोन हमको दे दो, हम बता देंगे कि वो क्लास में बात ना करो. तुम पहले उठो और तुम पीछे जाओ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, ऐसे कोर्स ख़त्म नहीं हो पाएगा. छुट्टी के बाद जब तुम लोग आओगे हम ये वाला चैप्टर तुम लोग का कंटिन्यू नहीं करेंगे, फिर तुम लोग आप खुद पढ़ना ये चैप्टर. दस अनलाइक अ फिक्स चार्ज द असेट्स ऑफर अ सिक्योरिटी बाय अ कंपनी कैन बी डेल्ट विद बाय द कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस द बायर ऑफ द असेट विल गेट इट फ्री ऑफ चार्ज. तो वो कह रहे हैं कि जैसे फिक्स चार्ज है हम लोग किसी को सेल नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते, फ्लोटिंग चार्ज में ऐसा कुछ भी नहीं है. फ्लोटिंग चार्ज में कंपनी डील भी कर सकती है और जो बंदा फाइनल गुड्स खरीदता है, हम लोग ये नहीं मानते कि कंपनी ने तो चार्ज क्रिएट किया हुआ था तुमने फाइनल गुड्स खरीदे ही क्यों, या आपको पहले चेक करने चाहिए थे फॉर्म, ऐसा कुछ भी नहीं है. क्यों? क्योंकि वो फ्लोटिंग चार्ज है. When the creditor enforces the security or the company goes into liquidation, the floating charge will become fixed charge on all the assets available on the date and which may come into existence thereafter. लेकिन जब आप repayment में default करते हो, creditor enforces का मतलब अब creditor कहता है कि अब आप इसको बेचो. जब हमारा creditor हमें कहता है कि आप अब इन चीज़ों को बेचो, उस दिन के बाद आप रॉ मटेरियल वगैरह में डील नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अब उसने बोला है कि आप अब इसको बेचो. तो हम लोग कहते हैं कि फिक्स चार्ज को फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि अब आप इसमें डील नहीं कर सकते हो. अब आप इतना ही कर सकते हो कि उसको आप बेचोगे और क्रेडिटर को उसकी पेमेंट आप वापस करोगे. इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज. क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इंटू फिक्स चार्ज. द फ्लोटिंग चार्ज रिमेन डॉर्मेंट. डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? इनएक्टिव. फ्लोटिंग चार्ज मतलब उन असेट्स में आप तब तक डील कर सकते हो जब तक क्रेडिटर कुछ ना बोले. लेकिन एक बार क्रेडिटर ने बोला कि इसको कन्वर्ट करिए या फिर अब हमें अपनी पेमेंट चाहिए, तब वो क्रिस्टलाइज हो जाता है. मतलब अब आप उन चीज़ों में डील नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस बंदे ने बोला इसको या तो बेच के हमारा पैसा दो, अगर नहीं कर सकते हो तो ये हमें नहीं चाहिए, आप कोई फिक्स्ड असेट का फिक्स नेचर का असेट हमारे पास गिरवी रखिए, तभी हम अपना लोन अग्रीमेंट कंटिन्यू करेंगे. डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव. मतलब ये चार्ज आपकी कंपनी से कोई छेड़छाड़ नहीं. अब जैसे हमने लैंड में रखा हुआ है, लैंड को चार्ज में रखा हुआ है, तो आप लैंड को ट्रांसफर या बेच नहीं सकते हो. जैसे ही आप करोगे वैसे ही क्रेडिट आ जाएगा. लेकिन फ्लोटिंग चार्ज स्टॉक में जितना भी डील करो हमारा चार्ज आपको कुछ भी नहीं कहेगा, वो इनएक्टिव है जब तक क्रेडिटर खुद आके ना बोल दे कि आप इसको कन्वर्ट करिए.
हाँ तो इन्फोर्स तो हम लोग टाइम पीरियड के बाद ही तो करते हैं लोन को. ऑन क्रिस्टलाइजेशन द सिक्योरिटी बिकम फिक्स्ड एंड इज अवेलेबल फॉर रियलाइजेशन. रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेल करके पैसा अपना रिकवर करेंगे और जितना भी पैसा हमने बोरो करा था वो हम उनको रीपे करेंगे. क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज मेकर व्हेन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज आर वॉयलेटेड. या फिर आपने कोई रूल्स रेगुलेशन वॉयलेट करे, आपने बोला था कि हमारी कंपनी में इतने तक के जो भी स्टॉक है वो तो मेंटेन्ड रहता ही है, उसने आपके पास्ट रिकॉर्ड्स भी देखे, लेकिन अब आप उतने रिकॉर्ड्स अपने स्टॉक के मेंटेन नहीं कर पा रहे, उसको अब डाउट हो रहा है कि अब आप उसको पेमेंट कर भी पाओगे कि नहीं, तो या तो वो कहते हैं आप हमारी पेमेंट करिए या फिर आप इसको फिक्स चार्ज में कन्वर्ट करिए. ड्यूटी टू रजिस्टर, लेकिन हमारी कंपनी की ड्यूटी है कि जब भी वो चार्ज क्रिएट करती है आरओसी के पास फाइलिंग करे, लेकिन अगर कंपनी ने फाइलिंग नहीं करी है तो चार्ज होल्डर भी उसकी फाइलिंग आरओसी के पास करवा सकता है. अगर विद इन टाइम कंपनी फाइलिंग नहीं करवाती है तो कंपनी तो दूसरों को ये बोल सकती है ना कि ये प्रॉपर्टी तो हमने गिरवी कर रखी ही नहीं है, क्योंकि आरओसी के पास भी नोटिस नहीं है. इसीलिए हमारा कंपनी एक्ट कहता है कि अगर 30 डेज में, वैसे तो हमें आरओसी के पास फाइलिंग करानी है, कंपनी नहीं करा रही है तो आप आरओसी के पास आ जाओ और फाइलिंग कराने में जो फीस वगैरह लगेगी कंपनी फिर आपको वो फीस वगैरह पे करेगी. तो रजिस्टर हम लोग कराते हैं 30 डेज में और हमें इसका एक्सटेंशन मिलता है 300 डेज, लेकिन इसकी जो फीस है वो हमारी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है अगर हम लोग इसको एक्सटेंशन इसका मांगते हैं. तो आरओसी एक्सटेंशन तो हमको देता है 300 दिन का, या 300 दिन का मतलब ये नहीं कि 30 डेज में नहीं करा तो 300, ये मैक्सिमम है. आरओसी आपको 60 दिन का एक्सटेंशन दे सकता है, 80 डेज का, 100 डेज का, डिपेंड करता है कि क्यों आप इसको रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो. लेकिन इसका जो फीस है वो बहुत ज़्यादा लगता है हर एक्सटेंशन पे, तो वो आरओसी डिटरमाइन करता है कि कितने का लोन है, लोन वैल्यू के अकॉर्डिंग वो आपकी जो फीस है फाइलिंग की वो बढ़ाता चला जाता है. हर चीज़ की अलग, वो लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग लगती है. हमें आरओसी को बताना है कि क्यों नहीं फाइल कर पाए. अब ये एक्सटेंशन मिलती है अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है तो, नहीं तो वो उसी समय आपके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं. तो हम लोग ने बोला तो कि चार्ज होल्डर भी तो कर सकता है फाइलिंग, अगर कंपनी नहीं फाइल कर रही है, कंपनी को फाइल तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो फीस एडिशनल फीस के साथ फाइल करेगी. और अगर हमने इनसे लोन लिया हुआ है, अगर हम फाइल नहीं करेंगे तो ये फाइल करेंगे, क्योंकि इनको भी तो पता है कि अगर मैम ने अपना फ़ोन गिरवी रखा हुआ है, रजिस्टर करवाया निकल को, ये यही फ़ोन गिरवी रखे किसी और से भी लोन ले सकती हैं. अगर हम 30 डेज में फाइलिंग नहीं कराएंगे तो क्रेडिटर जो है वो 30 डेज में फाइलिंग करा सकता है. लेकिन ड्यूटी किसकी होती है, कंपनी की, उनकी ड्यूटी नहीं है जिन्होंने हमको लोन दिया है. तो वो बंदा अगर फाइलिंग कराएगा तो फाइलिंग कराने में जो भी पैसा लग रहा है वो भी हम ही से वो बंदा रिकवर करेगा बाद में. तो उन्होंने क्रेडिटर के ऊपर तभी तो ड्यूटी लगाई है ना, कि अगर कंपनी नहीं करती तो तुम करो. क्रेडिटर के ऊपर ड्यूटी क्यों लगाई गई है कि हम वही तो हमने बोला कि अगर कंपनी नहीं करेगी रजिस्टर तो क्रेडिटर, हमने क्या बोला, क्रेडिटर की ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी कंपनी की ही है. लेकिन अगर 30 डेज में कंपनी नहीं करती फाइलिंग तो क्रेडिटर फाइलिंग करवाएगा, ड्यूटी किसकी थी, कंपनी की, फिर भी कराया किसने, क्रेडिटर ने. तो क्रेडिटर का जितना भी खर्चा है रजिस्टर कराने में, क्रेडिटर वो सारा पैसा कंपनी से रिकवर करेगा. ये हमने हेडिंग स्टार्ट करते ही यही बात तो बोली कि कंपनी ही रजिस्टर कराती है, लेकिन अगर कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो क्रेडिटर भी रजिस्टर करवा सकता है. अगर 30 डेज में उसको MCA की साइट में नहीं दिखा तो वो रजिस्टर कराएगा. वो तो अगर आपके पास वैलिड रीज़न है कि हम 30 डेज में क्यों नहीं कर पा रहे, आप आरओसी को रीज़न बताते हो, आरओसी उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सटेंशन देता है. ये जो डेज है हमने पहले ही बोला ये मैक्सिमम है, एक ही बार में आपको 300 दिन की एक्सटेंशन नहीं मिलती. हो सकता है आरओसी आपको 30 डेज की एक्सटेंशन दे, 40 डेज की दे, 50 डेज की दे. कंपनीज एक्ट ने आरओसी को पावर दी है कि तुम मैक्सिमम 300 दिन की ही एक्सटेंशन दे सकते हो, लेकिन उसकी हम लोग पढ़ते हैं एड वैलोरम पेनल्टी पड़ती है. एड वैलोरम का मतलब हर वैल्यू पे टैक्स जो है, पेनल्टी जो है, फाइलिंग की फ़ीस जो है वो बढ़ती चली जाती है. लोन अग्रीमेंट नहीं तैयार होगा, एडवोकेट नहीं उनके उस समय रेडी है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कंपनी के लोग उस समय स्ट्राइक पे हैं, रीज़न तो कुछ भी हो सकता है, हमारी तबीयत ख़राब है, हमारा वकील टाइमली नहीं लेके आ पा रहा है, रीज़न तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं. कि अगर आपको पता है कि ये चीज़ इस दिन तक हमें फ़ाइल करनी है, हम लोग भी बहुत चीज़ें उस दिन तक फ़ाइल नहीं करते हैं,
जो दूसरे बंदे को नहीं समझ में आ रहा हम क्यों, लेकिन हमारे पास कुछ पर्सनल रीज़न है कि हम क्यों नहीं फाइल कर पा रहे हैं, हमारा वकील नहीं आया, स्टैम्प पेपर नहीं मिला, बैंक की छुट्टी थी, या जो हमारे कोर्ट हैं उनकी स्ट्राइक चल रही थी, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। कंपनी को भी पता है कि 30 दिन तक करवाना तो है ही, 30 दिन की बात करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, तो कंपनी भी 30 डेज तक ही करवाती है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं करवा पा रहे हो तो एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं कि एक्सटेंशन हर केस में हम लोग लेते हैं, उन्होंने बोला ये नहीं कि 30 दिन में नहीं कराओगे तो कराना ही नहीं है, कराना तो है, लेकिन पेनाल्टी का अमाउंट इतना ज़्यादा है कि आपको 30 डेज में वो कराना ही पड़ेगा। आपको आरओसी को बताना है कि हम फाइलिंग नहीं कर पाए, इस रीज़न की वजह से नहीं कर पाए, तो आरओसी कहता है आपका रीज़न देखते हुए कि अगर आपने बोला कोर्ट बंद है तो आरओसी कहते हैं आप कोर्ट खुल गए 10 दिन के अंदर फाइलिंग कर दो, या जैसे ही कोर्ट खुले 20 दिन के, वो आरओसी आपको एक्सटेंशन देगा। आप अपने आप से एक्सटेंशन नहीं मांग सकते हो, आप बस बोलोगे कि हमारा टाइम आप एक्सटेंड कर दीजिए और रीज़न बताओगे कि क्यों 30 डेज में हम फाइलिंग नहीं कर पाए। आपका रीज़न देखते हुए आरओसी को जितना टाइम सूटेबल लगेगा, ये मैक्सिमम टाइम है 300 डेज का। इसका मतलब ये नहीं कि आरओसी बोलेगा 300 दिन का टाइम है, 1 साल का टाइम है, तुम फाइलिंग करते रहो। आरओसी आपको 10 दिन 20 दिन 30 दिन जितने भी दिन का टाइम पीरियड दे सकता है। ये तो हम इतनी सिंपल हिंदी में बोल रहे हैं, तुम लोग अगले टर्न में सब एक एक सीट छोड़ के बैठोगे ताकि जो तुम लोग का ध्यान है वो केवल इसमें रहे, क्योंकि तुम दोनों का ध्यान आपस में ही लगा हुआ है। जो भी डाउट है, इन दोनों को कोई डाउट नहीं हुआ, इन दोनों को समझ में आ गया, वो हम जब से स्टार्ट किए हम तब से बोल रहे हैं ये मैक्सिमम टाइम है, आरओसी एक्सटेंड करेगा। इतना डाउट आपको कैसे आ सकता है, ये तो सिंपल इंग्लिश है, ये तुम लोग का कंसंट्रेशन लेवल नहीं है इसलिए डाउट आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा तो बिल्कुल जीरो है। तो हम अगले टर्न से उनको बोल के जाएंगे मेरे आने से पहले एक 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 सीट छोड़ के बच्चों को बैठाओ। आरओसी तो बेटा हर चीज़ में घुस लेता है। अब ये है कि अब आप टाइम के बियॉन्ड करोगे तो आरओसी कहते इतनी पेनल्टी ना लो भाई, तुम ही हमसे थोड़ा पैसा ले लो। घूस तो देखो इंडिया है तो चलता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी आरओसी या फिर आपका जो सीएस होगा उसकी आरओसी से कितनी अच्छी जान पहचान है, उसके अकॉर्डिंग घूस का जो अमाउंट है वो कम होता जाता है। नहीं तो फ्रेशर से तो वैसे भी वो लोग मुंह खोल के घूस मांगते हैं, जैसे जैसे जान पहचान बढ़ेगी वैसे वैसे। हम लोग की है बहुत अच्छी है ये, हम लोग 10-11 साल से इसी फील्ड में है, पर घूस तो देखो चलती है। हमारी फर्म का नाम ही बहुत बड़ा है, सीएस की दुनिया में रीना जकोडिया का नाम बहुत ऊँचा है, हर बंदा जानता है हमारी फर्म का नाम रीना जकोडिया एंड एसोसिएट्स, तो उनका जो नाम है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग का काम वैसे भी अब इतने पुराने हो गए कि हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग फ़ोन रीना जकोडिया, उनका नाम बहुत ज़्यादा है जकोडिया, तो उनका नाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ये होता है कि डिपेंड करता है कि तुम लोग की फर्म का नाम कितना अच्छा है, तो इसीलिए अकेले प्रैक्टिस करना तो बहुत मुश्किल होता है जब तक कोई बड़ा नाम आपके साथ ना जुड़ा हो, तो फ़ोन पे ही काम हो जाते हैं। बस ये है कि बाद में जाके जो पैसा है उनको दे दो, हर चीज़ के लिए अब जाना नहीं पड़ता हम लोग को, फ़ोन पे भी हो जाता है काम। बस नए नए थे तब तो हर चीज़ के लिए जाना पड़ता था, दिन में 2-2, 3-3 बार जाना पड़ता था। तुम लोग भी जब काम करोगे जान पहचान बन जाएगी तुम लोग की, और वैसे भी आरओसी का काम तुम लोग को इतना करना नहीं पड़ेगा, वो सीएस करता है, तो तुम लोग के साथ जो सीएस जुड़ेगा वो कितना अच्छा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं चलता, आर्टिकलशिप में जब जाते हैं ना तो वो लोग पूरा निचोड़ देते हैं बच्चों को। चलो ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस एक्सेट्रा, तो हम लोग की ड्यूटी है आरओसी के पास चार्जेस हम लोग रजिस्टर कराएंगे, जैसे ही हमने लोन वगैरह लिया है आरओसी को हमें उसकी जानकारी देनी है, फिर आरओसी CHG 2 में हमारे हमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस देता है कि तुम्हारे चार्ज को हमने रजिस्टर कर लिया है। सेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस विद रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, रजिस्ट्रेशन बाय कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज, क्रिएटिंग चार्ज मतलब जो कंपनी लोन ले रही है अपनी चीज़ गिरवी रख रही है, जिम्मेदारी उसकी है
चाहे आप इंडिया की कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन ले रहे हो, चाहे आप इंडिया के बाहर की कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन ले रहे हो, लेकिन आप तो इंडियन आरओसी में रजिस्टर्ड हो, तो प्रॉपर्टी भले ही बाहर की है या इंडिया की है, आपको आरओसी के पास उसकी फाइलिंग करनी ही पड़ेगी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कंपनी क्रिएटिंग चार्ज विद इन और आउटसाइड इंडिया। विद इन आउटसाइड मतलब जो प्रॉपर्टी पे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो वो इंडिया की भी प्रॉपर्टी हो सकती है, हो सकता है आपने कोई बाहर प्रॉपर्टी खरीदी हुई है उसको भी गिरवी रख के हम लोन ले सकते हैं। अपनी कोई भी प्रॉपर्टी एसेट और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब अपनी कोई भी ऑफिस प्रमाइसिस है, कोई ब्रांच है, कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, वेदर टैंजिबल और अदरवाइज। टैंजिबल मतलब जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। अदरवाइज का मतलब इनटैंजिबल। इनटैंजिबल का मतलब कंपनी की कोई कॉपी राइट्स हैं, पेटेंट हैं, ब्रांड्स वगैरह हैं, तो वो हमारे इनटैंजिबल है। हमें पता है कि हमारी कॉपी राइट की इतनी वैल्यू है, लेकिन हम लोग उसको छू तो नहीं सकते हैं, उस पर भी हम लोग लोन ले सकते हैं। आप जिस भी चीज़ पर लोन लो, आपकी जिम्मेदारी है कि आर ओ सी के पास उसके सारे पर्टिकुलर्स आपको फाइल करना है। पर्टिकुलर मतलब किससे लोन ले रहे हैं, कितने का लोन ले रहे हैं, क्या इंटरेस्ट है, कितने टाइम का, रिपेमेंट की डेट क्या होगी, ताकि इन सब चीज़ों में कभी भी कुछ भी मॉडिफिकेशन भी करना है तो भी ठीक है। तो CSG3 में ROC आपका मॉडिफिकेशन जब रजिस्टर कर देता है, तब से जाके आप नए मॉडिफाइड टर्म एंड कंडीशन के साथ काम कर सकते हो। 10 चार्ज में भी क्रिएटेड विद इन इंडिया और आउटसाइड है, तो उन्होंने वही चीज़ बोली, आपकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, आपकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ चार्ज कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई असेट होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या चीज़ आप गिरवी रख रहे हो, कुछ तो गिरवी रखोगे, अपनी कोई असेट है, प्रॉपर्टी है, लैंड है, मशीनरी है, स्टॉक है, कोई अपनी गुडविल है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कोई भी चीज़ आप गिरवी रख सकते हो। हाँ नहीं, हमारा देश का लॉ लागू, क्योंकि हमने तो इंडियन आरओसी के पास रजिस्टर किया है ना, लेकिन इंडियन कोर्ट आपकी मदद करेगा प्रॉपर्टी बिकवाने में, क्योंकि ये जो भी जो हम लोग की रियलाइजेशन की बात आती है, तो क्रेडिटर खुद नहीं बेचता, हम लोग कोर्ट के पास पेपर फाइल करते हैं कि उन्होंने डिफॉल्ट किया, कोर्ट अपना ही बंदा बेचता है। बेचने के लिए हमेशा हम लोग पढ़ते हैं ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर, वो कोर्ट के लोग होते हैं, चाहे आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है या बाहर है, कोर्ट के लोग मदद करवाएंगे आपकी वो प्रॉपर्टी बिकवा के आपको पैसा दिलवाने में। तो कुछ भी चीज़ हो सकती है प्रॉपर्टी और असेट चार्ज में भी टैंजिबल, जैसे लैंड बिल्डिंग वगैरह हो सकती है, या फिर वो आपके इनटैंजिबल असेट जैसे पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क्स है, डिज़ाइंस वगैरह हैं, ये सारे हमारे इनटैंजिबल होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें भी हम लोग गिरवी रख सकते हैं। तो वो कहते हैं कि इसने, इस सेक्शन ने पूरा इसका स्कोप जो है वो बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्होंने केवल अपने आप को टैंजिबल असेट्स तक ही सीमित नहीं रखा चार्ज क्रिएट करते समय, उन्होंने इनटैंजिबल भी अगर आपके पास कोई असेट्स हैं उनको भी इन्होंने इसमें ऐड किया है। बाकी फिक्स असेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमें वो प्रॉपर्टी उठा के बैंक को नहीं देनी, हमें अपने क्या देना है, रजिस्ट्री के पेपर, टाइटल डीड, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपका ओनरशिप दिखाता है फिक्स्ड असेट के टाइम पे, आप वो टाइटल डीड्स जो है वो जो है गिरवी रखते हो और बैंक उस टाइटल डीड्स पे आपको लोन दे देता है। रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर, चार्ज होल्डर कौन है, हमारे क्रेडिटर्स। वैसे हमारी ड्यूटी किसकी है, कंपनी की ही ड्यूटी है, लेकिन अगर कंपनी चार्ज रजिस्टर नहीं कराती तो क्रेडिटर को डाउट है कि पता नहीं आरओसी को तुमने बताया नहीं, इस बीच में तुम उसी प्रॉपर्टी में किसी और बंदे से लोन ना ले लो, तो चार्ज होल्डर भी जो है वो आरओसी के पास जाके रजिस्टर करा सकता है, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में क्रेडिटर नहीं जाता, फर्स्ट इंस्टेंस में कंपनी ही जाएगी। अगर कंपनी विद इन टाइम चार्ज की डिटेल्स आरओसी के पास फाइल नहीं कर पा रही है, तब हमारा क्रेडिटर खुद जा सकता है। हम लोग ने ऊपर क्या पढ़ा था, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, जैसे ही आरओसी को पता चलेगा एमसीए की साइड में ये चीज़ अपलोड हो जाएगी, अगर 30 डेज में उसको नहीं दिख रहा तो वो आरओसी को जाके बोलेगा कि आपने ये फाइलिंग नहीं करी, आरओसी बोलेगा हमारे पास तो नोटिस ही नहीं आया है, तो जाके हमारा क्रेडिट, क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ा था, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं ये सारे। तो सेक्शन 78 प्रोवाइड्स दैट इन केस कंपनी क्रिएटिंग चार्ज फेल्स टू रजिस्टर द चार्ज विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 30 डेज, इन द पर्सन इन हुज फेवर द चार्ज इज क्रिएटेड कैन गेट द चार्ज रजिस्टर्ड। तो अगर कंपनी 30, अब आप एक्सटेंशन मांग रहे हो, ये सब काम कर रहे हो, लेकिन क्रेडिटर को तो लग रहा है ना कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप हमारी प्रॉपर्टी को गिरवी जो भी आपने दी है उसको आरओसी को इन्फॉर्म करो, तो भले ही आरओसी ने आपको एक्सटेंशन दी, अगर तो आप सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, नहीं तो आप खुद भी जाके चार्ज को रजिस्टर करा सकते हो कि तुम नहीं करा पा रहे, ठीक है हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हम ही जाके आरओसी के पास रजिस्टर करा लेंगे। रजिस्ट्रेशन बाय परचेजर, रजिस्ट्रेशन बाय परचेजर का मतलब हमने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है और हमने अब वो प्रॉपर्टी किसी और बंदे को बेच दी,
हमने ये वाला फ़ोन गिरवी रखा हुआ है इनके पास और अब हमने वो फ़ोन बेच दिया इनको, तो पहले डेटर कौन थे? हम थे। अब डेटर कौन है? ये बंदा डेटर है। तो हमें आरओसी को इसकी जानकारी भी देनी है। तो जो परचेजर है वो इसके बारे में रजिस्ट्री कराएगा, अभी तक की जो इंस्टॉलमेंट है वो पे कर चुके हैं, अब हमने प्रॉपर्टी ले ली है, बाकी की इंस्टॉलमेंट वो पे करेंगे कि हम पे करेंगे, जो भी अग्रीमेंट हुआ है, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी हमें दे दी गई है और हमें अच्छी तरीके से पता था कि वो प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कल को आप ये नहीं कह सकते हमें तो पता ही नहीं है, तो आप आरओसी को खुद बताओगे कि अपने रिकॉर्ड्स में जो आपके पास CSG-1 फाइल किया गया था वहाँ पे जो भी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी है वो कौन है, कंपनी, उसमें आप नाम किसका लिख लो, हमारा, क्योंकि अब कंपनी ने वो प्रॉपर्टी हमको बेच दी है। तो कल को अगर अब लोन रिपेमेंट में डिफ़ॉल्ट होगा तो हमसे ये बंदा आके प्रॉपर्टी लेके बेच देगा। रजिस्ट्रेशन बाय परचेजर का मतलब क्या हुआ, फिर कोई डाउट है हमसे पूछो, हम बता रहे हैं। सेक्शन 79 कवर्स अनदर केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज वेयर अ कंपनी परचेज सम प्रॉपर्टी इन हूज केस चार्ज वॉज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इन दिस केस ऑल्सो द कंपनी परचेजिंग प्रॉपर्टी शैल गेट द चार्ज रजिस्टर्ड इन इट्स नेम इन प्लेस ऑफ सेलर इन द रिकॉर्ड ऑफ रजिस्ट्रार। जैसे मान लो नैन्सी है, आपका नाम क्या है, अनसना, और हम हैं, मान लो हमारी कंपनी है और हमारे पास 1,00,000 के लैंड है जो हमने इनको गिरवी रखा है, तो आरओसी के पास हमने CHG-1 में जो डिटेल दी है उसमें क्रेडिटर का नाम कौन है, नैन्सी का नाम क्रेडिटर है, और डेटर का नाम कौन है, हमारा नाम यहाँ पे डेटर का है। अब ये चीज़ आरओसी के जा चुकी है, ये चीज़ MCA की साइट में अपलोड हो चुकी है, हम 50% इंस्टॉलमेंट या 60% इंस्टॉलमेंट हम पे कर चुके हैं, 60,000 रुपये तक का लोन जो है वो सैटिस्फाई हो चुका है, लेकिन CHG-4 आपका आधे पेमेंट में नहीं जाता, जब फुल्ली आपका लोन सैटिस्फाई हो जाता है इंटरेस्ट समेत, तभी हमारा चार्ज का सेटिस्फैक्शन का फॉर्म जाता है। इस बीच ये आए, इनको हमारी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, या फिर हमारी कंपनी अभी और कर्जे में है, तो हमें चाहिए कि हमें पैसा मिले, और हमें पता है कि 60,000 तो पे कर ही चुके हैं, देना तो अब हमें उनको 40,000 ही है, लेकिन प्रॉपर्टी तो पूरी 1,00,000 की ही हमारी गिरवी पड़ी हुई है, तो हमने इनको वो प्रॉपर्टी सेल कर दी, ठीक है, और हमने बोला देखो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,00,000 है, लोन भी हमने 1,00,000 का लिया हुआ है, 60,000 हम लोन रीपे कर भी चुके हैं, तो कल को अगर हम डिफ़ॉल्ट करेंगे भी तो 40,000 रुपये ही हमें पे करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं पे करने। उसके अकॉर्डिंग या तो प्रॉपर्टी की वैल्यू में इन्होंने बोला कितना कम करो, या तो इन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं कल को इंस्टॉलमेंट भी आप पे करते रहोगे, या इंस्टॉलमेंट भी ये पे करेंगे, तो प्रॉपर्टी का वैल्यू इन्होंने जो भी किया वो हम लोग के बीच में डिसाइड हुआ कि कल को जब इन्होंने परचेज कर ली तो इंस्टॉलमेंट ये पे करेंगे कि हम पे करेंगे, या प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हमने कैसे करा, उससे आरओसी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे डेटर की जगह किसका नाम अब आ जाना चाहिए, इनका नाम आ जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी का ओनर कौन था, हम थे। अब प्रॉपर्टी के ओनर कौन है, ये है। तो कल को जब CHG-4 जाता है, जो ओनर है प्रॉपर्टी का वही तो डालेगा कि हमने चार्ज सेटिस्फाई कर लिया, तो अब CHG-4 फॉर्म जो है वो ये डालेंगे, हम नहीं डाले। और अब कल को ये चीज़ होने के बाद, सेल का अग्रीमेंट होने के बाद, कुछ भी वॉयलेशन होता है, टाइमली इनको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती, जो भी होता है, आरओसी फिर जो है हमको नोटिस नहीं भेजेगा, आरओसी फिर इनको नोटिस भेजेगा, बाकी हमारे और इनके बीच में जो भी अग्रीमेंट हुआ है वो हम समझेंगे। आरओसी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अब ये ओनर है, अब ये डेटर है, और अब इनकी लायबिलिटी बाद में हो सकता है पीछे से ही हमसे रिकवर करे ना करे, वो हम लोग का लेना देना है। आरओसी इतनी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं कूदता है, आरओसी कहता है कि तुमने MCA की साइट चेक कर ली थी कि उस प्रॉपर्टी में चार्ज क्रिएटेड है, फिर भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो हमारे अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के ओनर अब आप हो, तो हरविंदर का नाम हटा के अब आपका नाम लिख रहे हैं। वो हम लोग के बीच में डिसाइड होगा कि प्रॉपर्टी इन्होंने खरीद ली तो या तो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कम हुआ, या प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है तो इंस्टॉलमेंट ये पे करेंगे कि क्या होगा, उससे आरओसी का कोई भी लेना देना नहीं है। क्रेडिटर की भी कंसेंट चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड्स में क्रेडिटर वगैरह को तो हम लोग चेंज कर नहीं रहे, रिकॉर्ड्स में केवल डेटर का नाम ही चेंज हो रहा है, क्रेडिटर तो पहले भी वही थी, आज भी वही है, बस वो इतना कह रहे हैं कि गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी अगर बेची जाती है इसकी जानकारी भी हमें आरओसी को देनी है। वो नहीं कर सकते आप, वो तो आपको क्रेडिटर की कंसेंट लेनी है, लेकिन ये सब होने के बाद जब प्रॉपर्टी बिकी है तो आरओसी की नज़रों में ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, तो आरओसी को हम इसके बारे में बता देंगे कि अब वो प्रॉपर्टी की ओनर कंपनी नहीं है, वो प्रॉपर्टी के ओनर ये हैं। हाँ, ये जो भी आप फॉर्म्स हम लोग ये फाइलिंग करते हैं
सबके साथ अटैचमेंट्स जाते हैं, 5-6 अटैचमेंट हर चीज़ के साथ जाते हैं। लेकिन हम लोग ये कंपनी लॉ जब कोर पढ़ते हैं उसमें हम लोग अटैचमेंट्स भी पढ़ते हैं कि किसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच हो रहे हैं, तो वो सारे अटैचमेंट्स तो आपके जाएंगे, जो क्रेडिटर्स का NOC वगैरह जाता है वो साथ में एज एन अटैचमेंट जाता है। हाउ टू रजिस्टर चार्ज द पर्टिकुलर ऑफ चार्ज एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म CSG फंड टुगेदर विद द कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट, कौन सा अग्रीमेंट, ये जो भी आपका लोन अग्रीमेंट वगैरह है ये सब हमारे एनेक्सचर्स वगैरह में जाते हैं, इफ़ एनी, तो जो भी अग्रीमेंट वगैरह है जिसमें आपके टर्म एंड कंडीशन लिखे होंगे वो सारी चीज़ें जाएंगी ROC के पास विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फी। फीस जो है वो हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग है, फीस जो है वो आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग अलग है, लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग, तो आपके लोन अमाउंट के अकॉर्डिंग जो भी फीस होगी 30 days में CHG 1 में आप ये सारी चीज़ें बताओगे, लोन अग्रीमेंट में सारे टर्म एंड कंडीशन होंगे आप वो बताओगे और आप इसकी फाइलिंग करोगे। वो नीचे वो लिखा हुआ है ना, अच्छा यहाँ पे आपका CSG 1 उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, जो हमारा अग्रीमेंट है, अब आपने फाइलिंग कर दी, आपने टर्म एंड कंडीशन लिख दिए, लेकिन आपके कहने पे ROC तुरंत उसको रजिस्टर नहीं करता, जिस क्रिएटर का नाम लिखा है ROC उसके पास भी वेरीफाई करता है कि आपका नाम लिखा है, आपने ही लोन दिया है, इतना अमाउंट लिखा है, इतना ही लोन दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी कंपनी ने बोली हमने गिरवी रखी कि कंपनी ने यही प्रॉपर्टी आपको दी है, कंपनी कह रही है वो हर महीने की 5 तारीख को इंस्टॉलमेंट दिया करेगी, 10,000 इंस्टॉलमेंट दिया, क्या यही टर्म एंड कंडीशन है? अगर तो क्रिएटर कहते हैं हाँ सारे टर्म एंड कंडीशन सही है, तब जाके ROC उसको रजिस्टर करता है, मतलब तब ROC आपको CHG 2 देता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज की, ठीक है तुमने जो भी डिटेल्स दी हैं हम उससे सेटिस्फाइड हैं और हम उस चीज़ को अब रजिस्टर कर रहे हैं। अ कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग एनी चार्ज आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल विद ROC शैल बी वेरीफाइड एज फॉलो, वेयर द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट्स ओनली टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अगर तो कोई ऐसी चीज़ आपने गिरवी रखी है जो इंडिया के बाहर है, द कॉपी शैल बी वेरीफाइड बाय सर्टिफिकेट इशूड ईदर अंडर द सील ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी का स्टैम्प वगैरह कि इसकी ओनरशिप हमारी है नहीं है, पूरे वो डॉक्यूमेंट अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर और CS और एनी ऑथराइज ऑफिसर, डायरेक्टर वगैरह का भी साइन कि हमने जो भी चीज़ें अग्रीमेंट में लिखी हैं वो सब सही हैं, अगर कल को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग पढ़ते हैं पूरी कंपनी के ऊपर वो पेनल्टी नहीं पड़ती है, जिन लोगों ने ये गलत डॉक्यूमेंट फाइल करे उनके ऊपर पेनल्टी पड़ती है, या फिर अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन मॉर्टगेज और चार्ज, मतलब हु इज इंटरेस्टेड मॉर्टगेज और चार्ज, मतलब जो क्रेडिटर्स वगैरह हैं उनकी भी पूरी डिटेल जाती है कि वो लोगों को पता है कि प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ पे है, कितने वैल्यू की है, वो सेटिस्फाइड हैं आपकी प्रॉपर्टी से, उन्होंने किससे वेरिफिकेशन, क्योंकि इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी उसको कैसे पता चला कि वो प्रॉपर्टी आपकी है, कितने की है, क्या वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ों का आपको ROC को डिटेल देनी है। वेदर द इंस्ट्रूमेंट और रिलेट टू प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, और अगर वो प्रॉपर्टी सोलली इंडिया में ही है तो भी आपको डायरेक्टर CS और चार्ज होल्डर वगैरह की पूरी डिटेल वगैरह कि हम जो भी अग्रीमेंट आपको दे रहे हैं, जो भी डिटेल्स आपको दे रहे हैं, हम कोई भी गलत डिटेल्स वगैरह आपको फाइल नहीं कर रहे हैं। ए दस इन केस द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट सोनली टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, द कॉपी में ऑल्सो एडिशनली वेरीफाइड बाय सर्टिफिकेट इशूड अंडर हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मॉर्टगेज, मतलब इंडिया के बाहर वाला है तो क्रिएटर की भी रिटर्न कंसेंट जाएगी कि बाहर के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हम सेटिस्फाइड हैं, और अगर इंडिया में है तो क्रिएटर की कंसेंट की जरूरत नहीं है, बाकी बाद में जो ROC है वो तो वेरिफिकेशन के टाइम पे क्रिएटर से खुद से बात कर ही लेता है कि जो भी चीज़ें अग्रीमेंट में लिखी हैं वो सारी चीज़ों से आप सेटिस्फाइड हो तो हम रजिस्टर करें, नहीं तो हम नहीं करेंगे। क्लियर है ये? एक्सटेंशन ऑफ टाइम, वैसे तो हमें टाइम कितना दिया गया है, 30 दिन का ही टाइम दिया गया है, बाकी इन्होंने 2 केसेस में आपको बताया है कि अगर आपका 2 नवंबर 2018 के पहले का केस है या 2 नवंबर 2018 के बाद का केस है तो इन्होंने उसके अकॉर्डिंग टाइम आपको बताया है, तो हमें वैसे तो एक लेमैन लैंग्वेज में 30 डेज में फाइलिंग करना है, अगर हम 30 डेज में नहीं कर पाते हैं हमें एक्सटेंशन मिलता है 300 दिन का, डिपेंड करता है हमारे रीजंस के अकॉर्डिंग। तो ओरिजिनल पीरियड, तो मतलब जो कंपनीज एक्ट ने हमको ओरिजिनल टाइम दिया है चार्ज रजिस्टर कराने का, वो टाइम कितना है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन, मतलब जिस दिन हम लोग का लोन अग्रीमेंट प्रिपेयर हो गया है उसके 30 डेज के अंदर अंदर उसकी पूरी डिटेल CHG 1 के साथ आप ROC को फाइल कर दीजिए। लेकिन उसके बाद आपको कुछ अमेंडमेंट वगैरह भी मिले हैं, एक्सटेंशन वगैरह भी मिला है, जो चार्ज आपने 2 नवंबर 2018 से पहले क्रिएट किया था वो कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम 2 नवंबर 2018 तक
विदिन 6 मंथ्स फ्रॉम 2018 या तो आप रजिस्टर कर लो, और अगर तब भी 6 महीने 2018 तक नहीं हो जाते, मतलब मई तक का टाइम, तो आपको 300 दिन का एक्सटेंशन है। मतलब 300 दिन के एक्सटेंशन के बाद मैक्सिमम मई 2019 तक आपकी फाइलिंग हो जानी चाहिए। अगर 2019 के बियॉन्ड जा रहे हैं 300, मतलब अगर हम आपको 300 दिन का एक्सटेंशन दे दें तो ये नवंबर 2019 जाएगा। हम मैक्सिमम एक्सटेंशन जो आपको ग्रांट कर सकते हैं वो मई 2019 की कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये लोन हमने लिया था काफ़ी पहले 2018 से पहले, और 30 डेज़ में हम फाइलिंग नहीं कर पाए, और 300 दिन हमारे मान लो ख़त्म होते हैं अक्टूबर 2018 तक, तो आरओसी हमें एक्सटेंशन देगा 300 दिन। मतलब मैक्सिमम डेज़ की भी अगर आप एक्सटेंशन मांग रहे हो तो वो मैक्सिमम टाइम जो है वो मई 2019 से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। मान लो वो अगर आपको एक्सटेंशन देता है 300 दिन की, तो वो आप मई के बाद जा रहे हो तो भी वो आपको मैक्सिमम नवंबर 2018 के 6 महीने तक की ही एक्सटेंशन दे सकता है, उससे ज़्यादा की एक्सटेंशन वो आपको नहीं दे सकता। वो हम आपको समझा रहे हैं, उन्होंने आपको दो केसेस दिए हैं, ये हमारा अमेंडमेंट हुआ था। वो कह रहे हैं कि जो चार्जेस 2 नवंबर 2018 तक रजिस्टर हुए हैं, टाइम पीरियड आपका क्या है 30 डेज, या मैक्सिमम आपका क्या है 300 डेज। तो वो कह रहे हैं कि मान लो आप मैक्सिमम एक्सटेंशन भी मांगते हो 300 दिन की, आपके पास अगर वैलिड रीज़न है तो हम देंगे, लेकिन फिर भी कंपनीज एक्ट ने बोला है एक मैक्सिमम टाइम का। अब इन्होंने एक और क्राइटेरिया बता दिया है, वो है 6 मंथ्स फ्रॉम 2 नवंबर 2019। 6 मंथ 2 नवंबर 2018 से कितने हुए, मई तक के हुए। तो वो कह रहे हैं कि विच एवर इज़ लेसर की बात यहाँ पे आ रही है, या तो तुम मैक्सिमम 300 दिन की एक्सटेंशन ले लो, और अगर 300 दिन की हम तुम्हें एक्सटेंशन देते हैं तो वो मई 2019 पार कर जाते हैं, तो हम मैक्सिमम एक्सटेंशन तुमको मई 2019 तक की ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा की एक्सटेंशन हम आपको नहीं दे सकते अगर आपका चार्ज 2018 के पहले का है। तो 2 नवंबर 2018 के पहले का है तो या तो 300 दिन का एक्सटेंशन, या फिर मैक्सिमम अगर हम मंथ्स कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम 6 महीने का ही टाइम है 2018 ख़त्म होने के बाद। अगर वो चार्ज 2018 से पहले का था तो 2018 नवंबर के बाद 6 महीने तक मैक्सिमम आपको चार्ज रजिस्टर करना। अगर मान लो हम आपको 300 दिन की एक्सटेंशन देते हैं तो आपका एक्सटेंशन आता है जून 2019 तक का या अगस्त 2019 तक का, हम मानेंगे कि मैक्सिमम एक्सटेंशन हम आपको मई 2019 तक की ही दे सकते हैं। मतलब मई से पहले 300 दिन तक की एक्सटेंशन आपको मिल सकती है। अगर 300 दिन की एक्सटेंशन हम दें तो मई 2019 आप पार कर लोगे तो आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो मई 2019 ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके लिए हमारा अलग प्रोविज़न है, वो प्रोविज़न है, ये हमारा पहला पॉइंट है प्रोविज़न का, क्लियर है नहीं क्लियर हुआ। हाँ, जो भी कम हुआ आपको मैक्सिमम भी हम 300 दिन की एक्सटेंशन देंगे, लेकिन वो मई 2019 के पहले होना चाहिए। मतलब अगर हम आपको एक्सटेंशन देते हो और आप मई पार कर लेते हो तो हम मानेंगे मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो आपके पास मई का है। तो ये है हमारा चार्ज क्रिएटेड बिफोर 2 नवंबर 2018। इन सच केसेस वेयर चार्ज वॉज क्रिएटेड बिफोर 2 नवंबर 2018 बट वॉज नॉट रजिस्टर्ड विद इन द ओरिजिनल पीरियड ऑफ 30 डेज, तभी तो एक्सटेंशन की बात आई, उसके पहले तो तुम्हें 30 दिन में रजिस्टर कर लेना चाहिए था, आप नहीं कर पाए और आपने आरओसी से एक्सटेंशन मांगा, और हम लोग मान रहे हैं कि आरओसी ने तुम्हें 300 दिन का एक्सटेंशन भी दे दिया, तो तुम 300 दिन में फाइलिंग कर लो, ये पहली कंडीशन है। 30 दिन के बाद ओरिजिनल पीरियड तो आपके पास 30 डेज का था, और ऑन एप्लीकेशन बाय द कंपनी आरओसी ने आपको टाइम पीरियड ग्रांट किया 300 दिन का, तो या तो 300 दिन में तुमने रजिस्टर करवा लिया, एक कंडीशन ये हो गई। इफ़ द चार्ज इज़ नॉट रजिस्टर्ड विद इन एक्सटेंशन पीरियड ऑफ 300 डेज, इट शैल बी डन विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम 2 नवंबर 2018 ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब एडिशनल फीस। वो कहते हैं अगर 300 दिन में नहीं हो पा रहा, क्योंकि 300 दिन जो है वो ये टाइम पीरियड क्रॉस कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम पीरियड जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 6 मंथ्स फ्रॉम 2 नवंबर 2018। तो इन्होंने चार्ट में भी आपको एक्सप्लेन करा है, वैसे तो आपको 30 डेज में ही चार्ज को रजिस्टर कराना है,
आप 30 डेज में नहीं कर पा रहे हो, ROC आपको मैक्सिमम जो एक्सटेंशन देता है वो कितने दिन की देता है, 300 दिन की। अगर तो वो 300 दिन हो रहे हैं May 2019 से पहले, अच्छी बात है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम जो हमारे पास चार्ज रजिस्टर करने का है वो है May 2019, मतलब 6 मंथ्स फ्रॉम 2018। हाँ, मैक्सिमम टाइम हमारे पास इतना है 2018 नवंबर के पहले, कभी कभी चार्ज हो सकता है 2016 का हो, 17 का हो, 18, जो भी है, आपको जो मैक्सिमम टाइम अब मिलेगा वो May 2019 तक का ही है। वो हमने एक एग्जांपल बोला कि मैं आप 2018 के पहले नवंबर में क्रिएट करो, अक्टूबर में क्रिएट करो, अगस्त में करो, एक्सटेंशन जो मैक्सिमम आपको मिलती है वो 300 दिन तक की मिलती है, लेकिन वो 300 दिन मई 2019 तक ख़त्म हो जाने चाहिए। क्योंकि 300 दिन क्योंकि पूरे अगर होंगे तो हम मई से एक्सीड कर जाएंगे, इसलिए 300 दिन तक तो हम जा नहीं सकते। उन्होंने एक बोला है या तो ROC आपको मैक्सिमम 300 डेज की एक्सटेंशन देता है, और एक सिंपल लैंग्वेज में अगर एक्सटेंशन देने के बाद आप 6 महीने पार कर लेते हो नवंबर से, तो आप ये मानो आपके पास मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो नवंबर के बाद 6 महीने तक का ही है, उससे ज़्यादा नहीं है आपका। अगर आपका चार्ज 2018 से पहले का है, मान लो आपके मई से पहले ही 300 दिन ख़त्म हो जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हमें मई तक का टाइम मिलेगा। हो सकता है जनवरी 2019 में आपके 300 दिन ख़त्म हो जाए, तो आपके पास जनवरी तक का टाइम है। अगर लेकिन ROC 300 दिन का एक्सटेंशन देता है और आप मई पार कर लेते हो, तो आपके पास जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो मई 2019 तक का ही है, उससे ज़्यादा का नहीं है। क्लियर है ये? वही हमने यहाँ पे लिखवाया भी है, विच एवर इज लेस वाला हमें करना है यहाँ पे। उसके बाद हमारा आता है जो चार्ज क्रिएट किया गया है 2 नवंबर 2018 के बाद। यहाँ पे इन्होंने अब आपको 300 दिन का एक्सटेंशन नहीं दिया, इन्होंने केवल आपको 30 दिन का एक्सटेंशन दिया है। अगर आप 30 दिन में नहीं कर पा रहे तो एडिशनल 30 दिन का एक्सटेंशन दिया है बस आपको। आपको यहाँ पे उन्होंने अब 300 दिन का एक्सटेंशन नहीं दिया, तो जो चार्जेस 2 नवंबर 2018 के बाद क्रिएट हुए हैं आपको कितने टाइम में रजिस्टर करना, 30 डेज में। 30 डेज में नहीं कर पा रहे, वैलिड रीज़न है, ROC ने आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया 30 डेज, फिर भी आप नहीं कर पा रहे, ROC और केवल 30 डेज ही आपका टाइम बढ़ा सकता है। तो ROC आपका टाइम पीरियड बढ़ाएगा 30+60 डेज, उसमें भी टोटल 60 डेज नहीं बढ़ाएगा, पहले 30 दिन टाइम बढ़ाएगा, नहीं कर पाए तब 30 दिन टाइम बढ़ाएगा, और हर टाइम बढ़ाने की जो वो आपका रेट लेगा वो एड वैलोरम लेगा, मतलब अच्छा खासा वो आपसे चार्ज करेगा टाइम पीरियड एक्सटेंड। तो ये जो 300 दिन का एक्सटेंशन है उसमें जो अल्टरेशन आया है वो केवल उन चार्जेस के लिए है जो 2 नवंबर 2018 से पहले क्रिएट किए गए हैं। तो जो चार्जेस अब क्रिएट हो रहे हैं 2018 के बाद, उनको टाइम पीरियड कितना है, या 30 डेज, उसके बाद 60, मतलब मैक्सिमम 90 डेज, उसमें बाइफर्केशन का 30+30+30, वैसे 30 डेज, उसके बाद ROC एक साथ आपको 60 डेज का एक्सटेंशन नहीं देगा, वो 30 डेज का एक्सटेंशन देगा। नहीं फाइल कर पा रहे और वैलिड रीज़न है, वो आपको 30 डेज का टाइम पीरियड देगा। रजिस्ट्रार विल फर्दर पीरियड ऑफ विद अ फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज विद द एड, और उसके बाद भी अगर बहुत कंटिंजेंट सिचुएशन है तो हाई लेवल चार्ज करके वो डिपेंड करता है। वैसे कंपनीज एक्ट ने ROC को टाइम दिया 60 डेज का, उसके बाद ROC को जितना ठीक लगे वो अपने हिसाब से आपको एक्सटेंशन दे। क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा, आप हमें बताओ तो आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई? ये चार्जेस हैं 2018 नवंबर के बाद जो क्रिएट हुए हैं, वो तो यहाँ पे लिखा है विद इन 6 मंथ, हमने आपको वो डे कैलकुलेट करके दिया, 6 मंथ का मतलब मई। आप लोग CA कर रहे हो, इतना तो दिमाग खोल के रहो, तुम लोग तो CS वाले बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। हम लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अकाउंट पोर्शन कैलकुलेशन आप लोगों की स्ट्रांग है, हर एक चीज़ बुक में लिखी नहीं होगी आपकी, ये लिखे तो है 6 मंथ, तभी तो हम कह रहे हैं 6 महीने कब होंगे, नवंबर के बाद 6 महीने मई में ही तो होंगे ना। हमने वो बस इसीलिए क्लियर वर्ड्स में लिख दिया कि आप वो कैलकुलेट भी नहीं, हमने लिखा तो 6 महीने नवंबर से कितने होंगे, मई तक होंगे।
तो यहाँ पे है प्रोसीजर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। हम लोग को पता है कि वैसे तो हमें 30 डेज में करना है, लेकिन हम अपने आप से एक्सटेंशन सोच नहीं सकते। अगर हम टाइम पीरियड में नहीं कर पा रहे हैं फाइलिंग, हमें आरओसी के पास जाना है, एक्सटेंशन मांगनी है। आरओसी पहले 30 दिन एक्सटेंड करेगा, फिर 30 दिन एक्सटेंड करेगा, कितनी फीस लेगा बिलेटेड फाइलिंग की, वो सारी चीज़ें आरओसी देखेगा और उसके बाद ही वो हमें एक्सटेंशन वगैरह देता है। 30-30 करके? नहीं नहीं नहीं, 300 का टाइम पीरियड 2018 के पहले तक का था, 2018 के बाद 300 का टाइम पीरियड नहीं है। नहीं, अब 30+30+30 ये है टाइम पीरियड। इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर ओ सी किस में देता है? CHG 2 में, और अगर मॉडिफिकेशन का है तो वो देगा CHG 3 में। तो वेयर द चार्ज और मॉडिफिकेशन इज ड्यूली रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपको चार्ज का मिलेगा CHG 2 में, और मॉडिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा CHG 3 में। तो वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है। हम लोग पढ़ते हैं कि कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है, मतलब वो एक प्रूफ है कि हमारी कंपनी लीगल तरीके से रजिस्टर हुई है। वैसे ही अगर हमारे पास CHG 2 और CHG 3 है तो वो एक प्रूफ है कि हमने चार्जेस से रिलेटेड सारा काम सही तरीके से करा है। द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 77 शैल नॉट बी मेड टू सर्टेन चार्जेस विच आर प्रिस्क्राइब अंडर कंसल्टेशन विद RBI। मतलब जो कंपनीज नहीं है अलग से RBI के अंदर, NBFCs हैं, हाउसिंग फिनेंस कंपनी है, जिनके ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लागू नहीं होते, ये तो हमारी नॉर्मल कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। हम लोग पढ़ते हैं बाकी भी बहुत बॉडीज होती हैं जो कंपनीज एक्ट में नहीं रजिस्टर्ड है, अलग एक्ट में रजिस्टर्ड है, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, उनके ऊपर नॉर्मल RBI के प्रोविजन्स लागू होंगे। नहीं, वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आता है। इतना हम लोग रख रहे हैं, ठीक है।